हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हो, ठीक हो, खुश हो? तो नहीं भी खुश तो इस वीडियो के बाद होने वाले हो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ए स्पेशल वन। टाइटल देख के तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। तो पिछले 2-3 हफ्ते से फ्री फायर कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा परेशान है लैग की वजह से, जिसकी वजह से मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी जो मेरे चैनल पर अभी भी हैं, जिसमें से एक वीडियो पर एक बंदे ने कमेंट किया और वो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ब्रो ब्लू पापा एमुलेटर हैज नो लैग लिटरली ट्राई इट। और मैंने कहा भाई ये कौन सा एमुलेटर है, और जब वहाँ पे उस बंदे ने ये बात की देन यू नो भाई को ट्राई करना पड़ेगा और एटलीस्ट रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तो मैं बैठ गया अपनी रिसर्च। तो फिर मुझे पता चला कि ब्लू पापा एक ऐसा एमुलेटर है जो ब्लू स्टैक्स ने बनाया है फॉर द चाइनीज मार्केट, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास लो एंड डिवाइसेस हैं। और यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में साफ साफ लिखा है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, यू इवन डोंट नीड अ ग्राफिक कार्ड। और स्मार्ट गागा के साथ इसको कंपेयर करते हुए भी ये कहा है कि इसके लिए तुम्हें वर्चुअलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, जिसको पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया और मैंने कहा अब तो ये ट्राई करना है। आगे इस वीडियो में सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या ये सारी बातें सच है या क्या सीन है। बिल्कुल वीडियो के एंड पे तुम्हें पता चलेगा। दूसरा कि इसके बारे में मेरी क्या थॉट्स हैं, मेरा क्या ओपिनियन है। हर तरह से बात करेंगे, लैग, सेंसिटिविटी, गेम सेटिंग्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई सी यू इन द एंड। और साथ साथ अभी तुम्हें मैं गाइड करता चलता हूँ, लेट्स गो। तो डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली तुम लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लेना इसको। और बहुत बड़ा साइज नहीं है, ऑलमोस्ट 300 से 400 MB के दरमियान है, तो तुम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस वैसे मैं दिखाता तो नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन इस बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि चाइनीज में है, तो मैं नहीं चाहता कोई कन्फ्यूज होकर डाउनलोड कर रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग इस पर क्लिक करोगे तो तुम लोग यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो, कहाँ पे ये जाएगा एमुलेटर। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन नहीं चेंज की थी, बस दरमियान वाले येलो बटन को क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चाइनीज़ में इसलिए, जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया था कि ये चाइनीज़ मार्केट के लिए बना है एमुलेटर, तो इस वजह से चाइनीज़ में है, तो बेयर विद मी। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, आगे जाके हम इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। एमुलेटर की चीज़ों को तो इंग्लिश में नहीं कर सकते, वो चाइनीज़ में रहेंगे, लेकिन बीच में जो इंस्ट्रक्शन वगैरह उनको इंग्लिश में कर सकते हैं कन्वर्ट, वो आगे जाके तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे करना है। जो टाइम टेकिंग पार्ट्स उनको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बाकी तुम्हें मैं डिटेल से बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। आगे की मैपिंग वगैरह भी डिटेल से बता दूंगा कैसे करना है, सेटिंग और बाकी सब कुछ। तो यहाँ पे तुम लोग क्लिक करके इसको वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारे काम की ये चीज़ नहीं है। वैसे तो कूल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें इस तरह करके कुछ नजर आएगा, इस पर क्लिक करोगे, देन तुम्हें क्या करना है, सबसे ऊपर वाला जो है उस पर क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, नीचे इंग्लिश ढूंढना है और इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ से तुम यूनाइटेड स्टेट्स या किंगडम जोन से भी तुम्हें पसंद है वो कर सकते हो। लाइन्स को तुमने क्लिक करके ड्रैग करना है ऊपर, और इंग्लिश को 1 पे ले आना है ईजिली। सारी जो सेटिंग्स की लैंग्वेज है वो इंग्लिश में हो जाएगी, बाकी एमुलेटर की इसी में रहेगी चाइनीज़ में। लेकिन तुम्हें एक चीज़ क्या करनी है, अपनी कोर्स और रैम अपने हिसाब से बढ़ा देनी है, बाकी चीज़ें ना छेड़ना, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, बस कोर्स और रैम लाजमी बढ़ा देना अपने पीसी के रिक्वायर्ड हिसाब से। बाकी एमुलेटर के लिए एपीके डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, वो भी तुम्हारे साथ ही मैं कर लेता हूँ ताकि तुम्हें एक एक स्टेप दिखा दूँ। तो सिंपल, बस मैं फ्री फायर एपीके लिखता हूँ, पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक किया, डाउनलोड किया, तो एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए फिर आगे बात करते हैं। सर डाउनलोड हो चुका है, अब तुमने क्या करना है, इसको सिंपली ड्रैग कर देना है अपने एमुलेटर में। अब ये एपीके यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो जैसी फ्री फायर इंस्टॉल होती है उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। और यार फ्री फायर इंस्टॉल होगी, अब इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे गरीना तुम्हें नज़र आ रहा है, और स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम ले सकता है, गरीना पे ही स्टक रहे, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम एक दफ़ा गेम बंद करके दोबारा ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आई बटन से की मैपिंग भी सारी शो हो रही है, जो भी मैन्युअली चेंज करनी पड़ेगी, आगे जाके मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। दूसरा, फेसबुक लॉगिन के लिए यहाँ पे तुम्हें एक ब्राउज़र वाली ऐप नज़र आएगी, तुमने ब्राउज़र खोलना है और यहाँ पे फेसबुक लिख के उसको लॉगिन कर लेना है। और फिर जब तुम गेम खोलोगे, फेसबुक लॉगिन करोगे, तो तुम्हारा खुद ब खुद ही फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गेम हमारी खुल गई है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या वो सारी बातें सही थी कि इस एमुलेटर में कोई भी गेम लैग नहीं करेगी, तो ये भी हम देखेंगे। हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड पे, क्योंकि अल्ट्रा पे तो वैसी कोई हाल नहीं है किसी भी एमुलेटर में, और स्टैंडर्ड पे मेरे दूसरे एमुलेटर्स पे लैग कर रहा है। तो अभी मेन फोकस ये है, अगर इस एमुलेटर पे स्टैंडर्ड पे लैग नहीं करता देन ये एमुलेटर पास है। अब की मैपिंग के लिए नॉर्मली तुम्हें वैसे ही खोलना है, और ब्लू बटन को दबाओगे तो तुम्हारी
की मैपिंग खुल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके तुम्हें सारी अपनी की मैपिंग कर लेता हूँ। सिंपली बस मैंने क्या किया, बटन्स पे क्लिक किया और अपने हिसाब से चेंज कर दिए हैं, सारे बटन्स मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। दोबारा तुमने ब्लू बटन पे ही क्लिक करना है और जब भी तुम्हें सेटिंग्स अपनी चेंज करनी है तो तुम्हें इसी तरह ब्लू बटन पे दबा के इजीली इसको करना है और देन क्रॉस कर देना है। अगर तो चेंजेस किए हैं तो सेव करने के लिए ब्लू बटन दोबारा दबाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी गेम सेटिंग्स भी कर ली थी। एक चीज़ और, ब्लू बटन दबाओ और यहाँ पे तुम लोग इन दोनों को क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी और ट्वीक्स नज़र आएंगी। अब तुम कहोगे यार एक्स तो नज़र आ गई है, सेंसिटिविटी वाई कहाँ है? तो यार इसकी एक ही है जो ऑल ओवर तुम लोगों को देखने को मिलेगी, एक्स एंड वाई वो दोनों एक ही है, तो तुम लोग बस उसी को चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि ये पुराने एमुलेटर वर्जन पे बेस्ड है तो इसकी इसी तरह सेटिंग होगी। और अब इस गेम स्टार्ट हो गई है हमारी, अब देखते हैं कि लैग का क्या हिसाब किताब है। तो स्टार्टिंग में पहले मुझे थोड़ा सा लगा था लैग हो रहा है, लेकिन जैसे मेरी आगे गेम गई तो देख सकते हो बिल्कुल स्मूथली गेम रन करी थी स्टैंडर्ड पे। यही अगर मैं दूसरे एमुलेटर में खोलूं तो मेरा पीसी ही फट जाए, लेकिन लिटरली यहाँ पे काफ़ी अच्छा लैग के मामले में एक्सपीरियंस था। ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसकी सेंसिटिविटी मुझे ख़ास समझ नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैं फिर उन पुराने दिनों में चले गए वहाँ से 2 साल पहले जब सेंसिटिविटी के बहुत बुरे हालात होते थे। और जैसे तुम्हें मैंने बताया एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी नहीं है इसमें, तो तुम्हें एक ही सेंसिटिविटी मिलेगी, उसी से तुम लोगों की एक्स भी चेंज होगी वाई भी चेंज होगी, तो तुम लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते। अगर तो कोई लैग से बहुत ज़्यादा तंग है और गेम बिल्कुल भी नहीं चल रही तो तुम्हारे लिए एमुलेटर मस्ट रिकमेंडेड। लेकिन अगर सेंसिटिविटी की बात की जाए तो अगर तो तुम लोग इसको हैंडल कर सकते हो, पहली बात माउस एक्सेलरेशन भी है जो कि तुम्हें अनलॉक और लॉक करके बार बार सही करना पड़ेगा। दूसरा, अगर तुम इसकी सेंसिटिविटी को मैनेज कर सकते हो तो लाजमी डाउनलोड करो, मस्ट रिकमेंडेड है लैग के मामले में, ठीक है, सेंसिटिविटी के मामले में नॉट रिकमेंडेड। तो अब बात आती है क्या मैं यूज़ करूँगा, तो इसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें MSI का दिखा देता हूँ। MSI 5 मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, उस पर मेरे स्टैंडर्ड पर किस तरह लैग हो रहा है, तो मैं तुम्हें जल्दी से कंपेरिजन वीडियो दिखा देता हूँ कि लैग के मामले में ये सच्ची में अच्छा है। तो जल्दी से हम खोल लेते हैं यहाँ पे MSI। जैसे MSI खुलेगा तो तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि MSI में मेरा कितना लैग हो रहा है स्टैंडर्ड पर। तो बस मैं जल्दी से यहाँ से MSI खोलता हूँ, MSI 5 खोलूँगा और उसमें अपनी गेम चलाऊँगा, एंड देन वील सी के हमारा हिसाब किताब क्या चल रहा है। और बात की जाए जो मैं कह रहा था, मैं क्या इसको कंटिन्यू करूँगा यूज़ करना, हाँ मैं इस पर कोशिश करूँगा मेरी सेटिंग हो जाए और देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन चांसेस यही है कि मैं इसको यूज़ ना करूँ शायद, और वेट करूँ कि लैग ख़त्म हो फ्री फायर में, ताकि मैं अपने दूसरे एमुलेटर्स पे इजीली स्टैंडर्ड पे खेल सकूँ। वैसे फ़िलहाल अभी मैं स्मूथ पे खुश हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है और हेडशॉट्स वगैरह भी लग रहे हैं। तो फ़िलहाल आई एम कंटिन्यूइंग विद MSI 5 और स्मूथ पे खेलना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, बट इट्स ओके यू नो। तो पीछे अब तुम लोग देख सकते हो कि किस तरह मेरा स्टैंडर्ड पे लैग हो रहा है। तो अब ये एक बात तो क्लियर है कि उस एमुलेटर में लैग नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोज भी बता दी हूँ, कॉन्स भी बता दी हूँ, तुम्हारी मर्जी तुमने एमुलेटर डाउनलोड करना है कि नहीं। एंड इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू कहीं से भी, सो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करना और कमेंट करना है। देखो अब मैंने कमेंट से ही वीडियो बनाई है, तो हो सकता है तुम्हारा किसी कमेंट से मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। और अगर अप्रिशिएट करना है कॉन्टेंट तो तब भी कमेंट कर सकते हो, इससे क्या होता है भाई वीडियो की रीच बढ़ती है एंड हेल्प्स मी अलॉट। और अगर चैनल पर नए हो, यू वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ लेजेंड आर्मी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपटिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत फिट कॉन्टेंट आ रहे, जस्ट वेट एंड वॉच, बाय बाय। Lift you bloody just immenses. Fuck around till you come to your senses.